चले आओ चले आओ, अभी कुछ जाने बाकी है। श्रृंगार पूरा नहीं किया। एक दिन क्या हुआ कि उस माला ने, उस बुढ़िया माँ ने माला बनाई, और माला बनाने के बाद में वो मंदिर में लेकर पहुंची तो वो किसी ने माला बनाते हुए देख लिया। और वो माँ क्या करा करती थी, माला बनाती फिर अपने गले में डालती, शीशे के आगे खड़ी हो जाती, देखती मैं कैसी लग रही हूँ। अगर वो मैया को अच्छी लगती तब मेरे कन्हैया को जाकर माता माला पहनाती। उस व्यक्ति ने जाकर पुजारियों को बोल दिया, पुजारियों ने उस मैया की माला नहीं पहनाई, क्योंकि भगवान को वही वस्तु अर्पित की जाती है जो स्वयं यूज ना की हो। बोले नहीं मैया, तेरी माला तो झूठी है और तू तो खुद पहनकर आती है, तेरी पहनी हुई चीज को हम ठाकुर जी को नहीं पहना सकते। वो मैया रोती हुई बिलकती हुई उस मैया की आंखों में आंसू, उस शीशे के आगे खड़ी हो गई, कहने लगी कि ये गोविंद मेरा ऐसा कौन सा अपराध था। अरे मैं माला अपने गले में डालकर भी देखती थी तब भी मैं अपने आप को खुद नहीं समझती थी, मैं सोचती थी कि मेरा भाग्य जारी पड़ा है और मैं चेक कर रही हूँ कि सुंदर लगेगा या नहीं। संसार में कलयुग लोग होते हैं ना, वो नहीं जानते कि सामने वाले की भक्ति का क्या प्रभाव है। वो मैया रो रही है, गगन कर रही है, और मेरे कन्हैया को पुकार लगा रही है, मेरे कन्हैया से पुकार, दिल से पुकार लगा रही है, चले आओ चले आओ अभी कुछ जाने बाकी है। अब तो चले आओ, अरे वहां माला नहीं पहनी तो यहां तो पहन लो, मैंने जीवन निकाल दिया तेरे लिए। हाथों में सुइयां घुस घुस कर ऐसे छेद हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं,
तो अभी भी मुझे तड़पा रहा है, पता नहीं किस समय पर शरीर संग छोड़ दे एक गोविंद। उसको भी ये पता चलना चाहिए।
Oh,
क्या दे दो। अगर कन्हैया जी आपके पास में आ जाए तो क्या पहचान है आपके पास, कोई पहचान है आपके पास में मेरे ठाकुर जी अगर आपके मध्य में आ जाए तो, है पहचान कोई नहीं है। वो बूढ़ी माँ कह रही है मेरे ठाकुर से कि तेरे कदमों की आहट से तुझे मैं पहचान लूंगी। और ये मत समझिए छलिया कहीं कोई तू छल करके आएगा, वो किसी भी रूप में आ जा तभी भी तुझे मैं पहचान लूंगी। मेरी आंखों में से दिल में, मेरी आंखों में से दिल में अभी पहचान बाकी है। मेरी आंखों में से दिल में अभी पहचान बाकी है। मेरी आंखों में से दिल में अभी पहचान